भोजन के तीन प्रकार विश्लेषण द्वारा चयन। जब सोच में हो विसंगति तब तलाशे प्रकृति, पाए प्रकृति अपनाए प्रकृति। भोजन के तीन प्रकार विश्लेषण द्वारा चयन। यदि एक व्यापक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विवेचना की जाए तो यह विदित होगा कि मूलतः भोजन के तीन प्रकार हैं। फिर आपको निर्णय लेना है कि आपको किस प्रकार का भोजन और किस संयोजन में लेना है। हालांकि प्रकृति ने पृथ्वी को लगभग 450 करोड़ साल पहले स्थापित किया था, परंतु मनुष्य की उत्पत्ति लगभग 10 लाख साल पहले हुई। तो उस दौरान प्रकृति ने जो भोजन मनुष्य के लिए निर्धारित किया था वह था जंगल और घास के मैदानों में उपलब्ध वह भोजन जिसे पकाने की आवश्यकता नहीं थी। इसमें मुख्य रूप से फल, कच्ची सब्जियां, सलाद और नट्स जैसे काजू, बादाम वगैरह शामिल थे। ऐसे भोजन के आधार पर प्रकृति ने मानव शरीर का विकास किया। दूसरे प्रकार का भोजन लगभग 10,000 साल पहले मानव हुनर की प्रक्रिया के माध्यम से विकसित हुआ, जिसे अक्सर नियोलिथिक रेवोल्यूशन यानी पहली कृषि क्रांति के रूप में जाना जाता है। यह वो समय था जब मनुष्य ने कृषि की कला सीखी, यानी कृषि के माध्यम से अनाज का उत्पादन करना सीखा। और इसी तरह से मनुष्य की भोजन की आदत मौलिक रूप से कृषि उपज की ओर स्थानांतरित हो गई, जिसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार शामिल थे। और इसी तरह से कृषि उत्पाद जिसमें चावल, गेहूं, मक्का, जौ आदि आदि शामिल थे। फलों और सब्जियों के विपरीत ऐसे कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की विशेषता यह थी कि वे कई महीनों या एक वर्ष या उससे भी अधिक समय तक सड़ते नहीं थे। दूसरे शब्दों में ऐसे कार्बोहाइड्रेट युक्त अनाज का उत्पादन खेतों में किया जाता था और फिर पूरे वर्ष के लिए संग्रहित किया जाता था। और इस तरह से शहरों का विकास होना शुरू हुआ और साथ ही साथ शुरू हुई शासकों की राजनीति। शहर सिर्फ इसलिए बन पाए क्योंकि कृषि उत्पादन के माध्यम से अनाज शहरों में भेजकर उसको गोदामों में रखा जा सकता था और फिर शहर के निवासी पूरे वर्ष इस भोजन से जीवन व्यतीत करते थे। दूसरे शब्दों में लगभग 10,000 साल पहले मानव हुनर द्वारा विकसित की गई कृषि के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट से युक्त अनाज यदि ना होता तो फिर कोई शहर भी ना होता। भोजन की तीसरी श्रेणी वैज्ञानिक क्रांति के परिणाम स्वरूप आई और जिसने सिर्फ कुछ दशक पहले ही लोकप्रियता हासिल की। यह कृत्रिम और प्रसंस्कृत यानी कि प्रोसेस्ड भोजन पदार्थ है, जैसे कि हम सुपर बाजारों और यहाँ तक कि खेल की दुकानों में भी देखते हैं। आकर्षक पैकेट में रखे रंगीन लेबल बिखेरते हुए और फिर कंपनियों द्वारा बेचने और मुनाफा कमाने के लिए किए गए हेर फेर वाले विज्ञापनों द्वारा उत्प्रेरित लोगों ने तो अपने शॉपिंग बास्केट में इस तरह के भोजन को लेने के लिए सुपरमार्केटों में भीड़ लगाना शुरू कर दिया। और इसी तरह से बड़ी संख्या में लोग रेस्टोरेंट में उमड़ने लगे जो इस तरह के कृत्रिम भोजन का उपयोग अपने स्वादिष्ट पदार्थों के लिए करते थे और फिर अपने ग्राहकों को सलीके से लगाकर परोसते थे। दूसरे शब्दों में इस तरह का भोजन बेहतरीन सुनाई देता है, बेहतरीन दिखता है, लेकिन वास्तविकता में यह बेहतरीन नहीं होता है। अब आपको निर्णय लेना है आप
किस प्रकार का भोजन खाना चाहते हैं। पहला, लगभग 10 लाख साल पहले प्रकृति द्वारा निर्धारित भोजन, या दूसरा, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाद्यान्न यानी कार्ब्स, जिसे मनुष्य ने अपने कृषि हुनर द्वारा पैदा करना शुरू किया, या तीसरा, आधुनिक कृत्रिम पदार्थ या प्रसंस्कृत यानी कि प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ, जो कुछ दशक पहले ही वैज्ञानिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पादित होना प्रारंभ हुआ और जो अब सुपरमार्केट और यहाँ तक कि खेल की दुकानों में बिकते हैं। अब आप हैं जिन्हें चुनाव करना होगा, लेकिन कम से कम मैं अपनी एक सलाह प्रदान तो जरूर कर सकता हूँ। जब सोच में हो विसंगति, तब तलाशें प्रकृति, पाएं प्रकृति, अपनाएं प्रकृति।